स्वागत है आप सबका बनारसी मम पे। नवरात्रि का पांचवा दिवस है आज। आइए बनाते हैं व्रत में खाने वाली साबूदाना डोसा। साबूदाना डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना भिगोया हुआ, भुना हुआ सिंगदाना, धनिया, मिर्ची, उबला हुआ आलू और सिंगदा नमक स्वाद अनुसार। अभी इन सब को हम लोग ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। अभी हमने ग्राइंडर में सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दी है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्राइंड हो जाए। अभी दिखाते हैं कि कैसे बनेगा इसका पेस्ट। पीस के इस तरह से दिखता है, इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होगा। आपको और डोसा में थोड़ा फ्लेवर चाहिए, घर में जीरा पसंद है तो थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए इसमें। आइए अब देखते हैं कैसे बनाते हैं डोसा। डोसा का तावा ले लीजिए या कोई भी तावा आपके पास हो वो ले लीजिए। उस पर तेल लगाइए, गैस धीमी आंच पे रखिए। तेल गरम हो जाए हल्का सा, फिर उस पर बैटर डाल दीजिए और उसे ऐसे डोसा की तरह स्प्रेड करिए। अभी इस डोसा को दोनों साइड से हमें 5-5 मिनट पकाना है। आइए हम दिखाते हैं कैसे दिखता है। ये देखिए अभी बाजू से एजेस से वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, इसका मतलब पीछे का साइड पक गया है। पलटने के बाद वो इस तरह से दिखता है। पलटने पे वो थोड़ा टूटता है या थोड़ी दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा तेल डालते जाइए और पलटते जाइए, अच्छे से होगा। अगर वो चिपक रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा तेल डालिए। अभी हम दूसरे साइड से इसे पकाएंगे, फिर दिखाते हैं कैसे दिखता है। होप आप सबको हमारी रेसिपी अच्छी लगी। साबूदाना डोसा व्रत में खाने वाली चटनी के साथ खाई जा सकती है, जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बनाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करिए। डू ट्राई एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस इन द कमेंट सेक्शन। देखते रहिए हमारे वीडियोस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब बनारसी मम। थैंक यू, बाय बाय।